पहले आइए आपको दिखाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, अरुण साहब वहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आइए सुनते हैं। शहीद हुए हैं और उनकी स्मृति को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने मोवा बाजार चौक रायपुर का नामकरण शहीद भरत लाल साहू चौक करने की घोषणा उन्होंने की है। आज के मंत्री परिषद की बैठक के यही निर्णय है। उगेश सरकार का एक बड़ा फैसला आप लोगों ने पलट दिया है क्या? आखिर ये जमीनों में क्या ऐसी गड़बड़ी थी कि सरकार को सारे परिपत्र पलटने पड़े? देखिए, आप सबके ध्यान में है कि उन परिपत्रों के माध्यम से क्या क्या हुआ था और सरकार ने सब बातों पर विचार करके ये निर्णय किया है। हाँ जी बिल्कुल, इसीलिए कहा है कि यदि किसी को शिकायत हुई संबंध में तो वो शिकायत करे, राजस्व विभाग के पोर्टल में ये प्रदर्शित किया जाएगा। वो जो जमीनों का हस्तांतरण हुआ है, किसी को कोई आपत्ति है, शिकायत है तो करें, उसका निराकरण संभागीय आयुक्त तो करेंगे। तो क्या जो आवंटित जमीन है उसको रद्द भी की जा सकती है? देखिए, ये शिकायत आएगी, शिकायत पर क्या जांच में पाया जाएगा इसके आधार पर निर्णय होगा, इसलिए संभागीय आयुक्त को अधिकृत किया है। इनाम वाले को थोड़ा सा स्पष्ट कर देंगे, जो इनाम के जरिए दूसरे प्रदेश के मंडी वाले हैं वो अभी क्या प्रक्रिया थी, अब क्या होगा? इनाम में हमारे मंडी एक्ट में ये प्रावधान नहीं था और इसलिए जो बाहर के बोर्ड हैं या पंजीकृत विक्रेता हैं, अब ये पूरे देश भर के लिए ई नाम पोर्टल भारत सरकार ने लॉन्च किया है। हमारे एक्ट में ये प्रावधान नहीं था, इसलिए हमने अपने एक्ट में प्रावधान करके अन्य राज्य के विक्रेता या बोर्ड हमारे राज्य के सामग्री खरीदना चाहे तो वो खरीद सकते हैं, ये प्रावधान किया है। सर, पिछले विधानसभा सत्र के दौरान पिछली सरकार के कई जो घोटाले या फिर मामले थे उसमें जांच का ऐलान किया गया था, क्या इस विधानसभा सत्र के दौरान उन जांच के रिपोर्ट को रखा जाएगा? देखिए, उसको विधानसभा में रखने की जरूरत नहीं होती है, वो एक बार निर्णय हुआ है उस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है और कई में कार्यवाही हो भी गई है। थैंक यू। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे अरुण साहब की, और साथ ही साथ अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सुपर सिक्स, और सुपर सिक्स में बताएंगे कि दुनिया भर में क्या मचा है, क्यों मचा है आखिर हाहाकार। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन होने से एयरपोर्ट से लेकर बैंक तक कैसे ठप पड़े हैं, बात भोपाल के तेंदुए के आतंकी भी करेंगे, बताएंगे कहां पर धोती में नो एंट्री पर मॉल में लग गया ताला, बात हार्दिक और नताशा के तलाक की भी करेंगे, एमपी में चोर और कबाड़ी का गठजोड़ भी आपको दिखाएंगे, बात एमपी की पहली ट्राइबल महिला आईएएस की भी करेंगे। दुनिया भर में हड़कंप मचा है, इंडिया से अमेरिका तक हाहाकार मचा है, एयरपोर्ट से लेकर बैंक तक अब ठप हो चुके हैं, शेयर बाजार से लेकर ट्रेन तक पर ब्रेक लग गई है। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन होने की वजह से ये दिक्कतें सामने आई, आखिर क्यों डाउन हुआ सर्वर, क्यों दुनिया भर पर इसका असर और क्या असर हुआ, आइए जानते हैं। थम गई दुनिया, उड़ान पर ब्रेक, बंद हुए बैंक बाजार, दुनिया भर में हाहाकार। इंडिया से अमेरिका तक, ऑस्ट्रेलिया से ब्रिटेन तक, पूरी दुनिया में हाहाकार है। दुनिया भर के एयरपोर्ट से जहाज उड़ान नहीं भर पा रहे हैं, कई टीवी और ब्रॉडकास्ट कंपनियों के प्रसारण थम गए हैं, शेयर बाजार से लेकर बैंक तक बंद हो गए हैं। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है जब कोई साइबर टेररिस्ट पूरी दुनिया को ठप कर देता है, लेकिन ये कोई फिल्म नहीं, हकीकत है।
दुनिया भर में एयरपोर्ट, बैंक से लेकर कई सेवाएं ठप पड़ी हैं और इसकी वजह है माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन होना। एक सर्वर से पूरी दुनिया ठप हो गई। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी आने से दुनिया भर में रेलवे, एयरलाइंस, बैंकिंग सेक्टर समेत स्टॉक एक्सचेंज तक की सेवाएं ठप पड़ गई हैं। सर्वर ठप होने से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन समेत कई देशों में हड़कंप मच गया। कई अमेरिकी राज्यों में 911 सेवाएं बाधित हैं। ब्रिटेन में ट्रेनों का परिचालन रुक गया है। जर्मनी के बर्लिन एयरपोर्ट पर फ्लाइट रद्द हैं। बैंक का काम ठप है। ऑस्ट्रेलिया में कई कंपनियां बंद हो गई हैं। अमेरिका में यूएस एयरलाइंस की सभी फ्लाइट्स ग्राउंड पर हैं। माइक्रोसॉफ्ट क्या फेल हुआ, सारी दुनिया में उथल पुथल मच गई है। यहाँ लंदन में यहाँ हम ट्रेन लेने के लिए इंतजार में हैं, लेकिन ट्रेन की सर्विस कैंसिल हो चुकी है और ये केवल एक उदाहरण है। अभी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, कुछ निश्चित नहीं कि वो भी चलेगी या नहीं। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन होने से भारत में भी हड़कंप है। एयरपोर्ट से विमान उड़ान नहीं भर पा रहे। इंडिगो, अकासा एयरलाइंस और स्पाइस जेट समेत कई एयरलाइंस के विमान उतारने पड़े हैं। दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर चेक इन समेत कई ऑनलाइन सेवाएं काम नहीं कर रही हैं। दिल्ली के एयरपोर्ट ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि वैश्विक आईटी संकट की वजह से उसकी कुछ सेवाओं पर असर पड़ा है। एयर इंडिया ने भी ट्वीट किया है और माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी आने से सिस्टम के प्रभावित होने की बात कही है। इंडिगो एयरलाइंस ने ट्वीट कर बताया कि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आई गड़बड़ी की वजह से यात्रियों को एयरपोर्ट पर इंतजार का समय लंबा हो गया है। अमेरिका के यूनाइटेड, डेल्टा और अमेरिकन एयरलाइंस ने दुनिया भर में अपनी उड़ानों को रोक दिया है। इनकी जो भी फ्लाइट उड़ान में है उन्हें छोड़कर कोई भी विमान फिलहाल उड़ान नहीं भरेगा। ब्रिटेन में ट्रेन कंपनियों का ऑपरेशन रुकने की आशंका पैदा हो गई है। एक बड़ी ट्रेन कंपनी ने कहा कि बड़े स्तर पर आईटी की दिक्कतें आ रही हैं, इससे ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ सकता है। आईटी सिस्टम ठप होने की वजह से बर्लिन एयरपोर्ट में चेक इन में दिक्कत हो रही है। स्पेन में सभी हवाई अड्डों पर आईटी की दिक्कतें आ रही हैं। ब्रिटेन में स्काई न्यूज चैनल ऑफ एयर हो गया है। ऑस्ट्रेलिया में टेली कम्युनिकेशन ग्रुप टेलस्ट्रा की सेवाओं में बाधा आ रही है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में विमानों की उड़ान प्रभावित हुई है। यूनाइटेड एयरलाइंस ने अपनी सेवाएं रोक दी हैं। लंदन के भी स्टॉक एक्सचेंज में तकनीकी परेशानी देखने को मिल रही है। लंदन के ट्रेन स्टेशन में हलचल मची हुई है। किसी को समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ जाए, क्या करें। सारे एयरपोर्ट्स पर डिस्ट्रप्शन हो रही है। यहाँ हीथ्रो एयरपोर्ट में, गैटविक एयरपोर्ट पे, ऊपर स्कॉटलैंड में एडिनबरा एयरपोर्ट पे, मैनचेस्टर एयरपोर्ट में, हर जगह फ्लाइट्स को कैंसिल किया जा रहा है और यात्रियों को कुछ समझ नहीं आ रही कि वो अब क्या करें और आगे कब सर्विस जो है नॉर्मल तौर पर रिस्टोर होंगी। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन होने से पूरी दुनिया में हाहाकार है। माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि एज्योर क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट 365 में गड़बड़ी की वजह से सर्वर डाउन हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट जल्द ही इसे ठीक करने की बात कह रहा है। भारत सरकार भी इस पर नजर बनाए हुए है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर लिखा कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्लोबल आउटेज के संबंध में माइक्रोसॉफ्ट और उसके सहयोगियों के संपर्क में है। इस आउटेज का कारण पता लगा लिया गया है और समस्या के समाधान के लिए अपडेट जारी कर दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। भोपाल में